पुंज के मनकोट में हतमतारका के करीब पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का निशान वाला गुब्बारा बरामद, फौज ने कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। श्री दशनामी अखाड़ा पहुंच में महान संत राज गुरु गद्दी शंकर आनंद जी महाराज की 54वीं बरसी पर 2 जनवरी को महायंग का इनेकाद किया जाएगा। चेयरमैन इंतजामिया कमेटी ने तफसीलात बताई। पुंछवासियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि पुंछ की राजगुरु गद्दी पर एक महान संत जो यहाँ बराजे, जिनको पहली दफ़ा राजगुरु गद्दी का खिताब मिला, स्वामी शंकरानंद जी पुरी महाराज, उनकी 54वीं वर्षगांठ जो है वो 2 जनवरी को यहाँ मनाई जा रही है। आप ये भी बड़ी बात जानते हैं कि हर साल यहाँ 2 जनवरी को एक महान यज्ञ किया जाता है। उसी रिवायत को कायम रखते हुए आज 51 जनवरी को यहाँ श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में श्री रामायण जी का अखंड पाठ जो है रखा गया है, जिसका भोग कल सुबह 8 बजे यहाँ पड़ेगा और उसके बाद हवन यहाँ होगा और हवन के बाद ठीक 12 बजे यज्ञ जो है वितरण किया जाएगा। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है कि उस मालिक ने हमें पानी, बिजली, सूरज जैसी चीज़ें दी हैं और कर्ज है हम पर, इस कर्ज को उतारने का एक ही तरीका है कि हम उनके निमित्त यज्ञ करें। तो महान आत्मा के निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में सब लोग आए बिला मजो मिलत, जिस तरह हर साल आते हैं, भाईचारा को कायम रखते हुए यज्ञ का भोजन ग्रहण करें, अपने पापों को दूर करें और इस धरती की तरक्की के लिए कामना करें। तो मैं फिर
तमाम पुणेवासियों से निवेदन करता हूं कि कल यज्ञ में भरपूर तौर पर आएं। जय श्री राम। ड्राइवर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद बशीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में ड्राइवरों के खिलाफ पास किए गए बिल को मनसूख करने का किया मुतालबा। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को मुबारक नए साल की मुबारकबाद देता हूं कि हम ये मुबारक देता हूं, साथ ही ये दुआ करता हूं कि भगवान अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को ता क़यामत तक सलामत रखे और ये खुश ये तरक्की की तरफ और गामजन हो, आपसी भाईचारा जो कायम रहे, जो 21-22 तारीख को जो हमारे लोकसभा में जो हमारे ड्राइवरों के खिलाफ जो बिल पास हुआ है तो हम उसकी पर तौर पर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये जो ड्राइवर बिल ड्राइवर के जो कानून पास हुआ है इसमें एक टू व्हीलर से लेके जो ट्रक ड्राइवर तक जो है जो उनके खिलाफ जो है जो बिल पास किया गया है उसमें यही है कि 3 साल की सज़ा और 7 साल की सज़ा, उसमें 5 लाख रुपये जुर्माना भी है और 10 लाख तक भी है। इसकी हम पूरे ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये मैं तमाम अपने देशवासियों से और यहाँ की पुंछ की आवाम से ये अपील करते हैं कि हम एक दिन हम स्टेरिंग छोड़ तारीख जो चलाएंगे उसमें हम स्टेरिंग छोड़ जो है वो स्ट्राइक करेंगे, उसमें पूरी पुंछ की आवाम से और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं जितने भी ड्राइवर हजरात हैं मैं सबसे अपील करता हूँ कि उस दिन हमारा साथ दें ताकि हम आने अपनी हुकूमत को बता सकें कि ये जो बिल है ये हम आम ड्राइवर के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी चलाता है उसको भी नुकसान है, चाहे वो ड्राइवर जो किसी का ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है जो कमर्शियल गाड़ी चला रहा है उसको भी नुकसान है, क्योंकि ड्राइवर आदमी की 6-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं है। इस वजह से वो अगर 5 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी इंसाफी है, क्यों ड्राइवर आज की डेट में आप जाते हैं कि देश की तरक्की में ड्राइवर का भी एक अहम रोल है, अगर ड्राइवर स्टेशन छोड़ हड़ताल करेंगे या स्ट्राइक करेंगे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आप मीडिया वालों का आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो भी वक्तन वक्तन आए मुश्किल आवाम को दरपेश होते हैं उसमें जो आवाम हाई कमांड तक आप इसका जो है वो पहुँचाते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में COVID-19 के मुतालिक तमाम तर एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं, डॉक्टर जुल्फिकार अली ने दी तफसीली जानकारी। जो कोविड है ये 4-5 साल से हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसकी शिद्दत में कमी आ गई है। पहले जब शुरू में आई तो उस वक्त लोग काफ़ी इससे डरे हुए भी थे, फिर वक्त के साथ जब अरेंजमेंट हुआ चीज़ का बीमारी का क्लियर हुआ फैसल्टीज़ हो गई तो इसमें बीमारी में भी शिद्दत कम आती गई। तो इस बार भी अमूमन ये सर्दियों का जब मौसम आता है तो इसमें हमारा कॉमन फ्लू जो है वो भी अमूमन आम हो जाता है, फिर तो साथ साथ कोविड के पॉजिटिव केसेस भी आना शुरू हो गए। सबसे पहले तो ये सोदन स्टेट जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अब इसके हर जगह पर हर स्टेट में केसेस जो हैं पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो उस सीजन में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने डायरेक्टरी जारी की थी जिसमें हमारी यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भूपिंदर सर ने भी हमारे इंस्ट्रक्शन दे दी अपने मीटिंग करके कि जितने भी हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन सब में आप जो है इसकी एहतियाती तदाबीर स्टार्ट कर लें, और अगर हमारा इन्फेक्शन रेट बढ़ता है उसके लिए हमें जितने भी जितने रिक्वायरमेंट हैं उनका थोड़ा सा आप ऑडिट कर लें। उसमें हमारी मॉक ड्रिल भी हो गई, हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच में भी मॉक ड्रिल वगैरह भी कर और स्टाफ को भी डिस्ट्रिक्ट पूरे में इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो चीज़ें ज़रूरत हैं इसकी वो तैयार कर लें। उसमें ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहता है ऑक्सीजन सप्लाई का, मेडिसिन ऑक्सीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमने जो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको भी चेक कर लिया, उसके बाद बाकी जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की वो देखी, प्लस जितनी भी हमारी लॉजिस्टिक्स जो इसके लिए ज़रूरत थी उनका ऑर्डर कर दिया। उसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है आईसी
वो आज हम आपने आपके इस मीडिया के थ्रू पब्लिक को आईसीबी देना चाहूँगा कि ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी केस जो है हमारे यहाँ पर जो हमने टेस्ट स्टार्ट किया पिछले 3-4 दिन से अभी पॉजिटिव केस हमारे पास कोई नहीं आया। अभी भी डायरेक्टली यही है कि अपनी तैयारी कर लें, लेकिन इतना सीरियसनेस नहीं है इस डिजीज़ में। जो केसेस अगर कहीं पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको माइल्ड सी डिजीज़ है और वो थोड़ी बहुत दवाई देने से ठीक हो जा रहे हैं। उसमें हमने अपने आप को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बात करूँ तो मुतारक करके हमने सारा ऑडिट करने के बाद इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI कहते हैं। जम्मू के बावे वाले मंदिर में नए साल के पहले दिन अकीदतमंदों की बड़ी भीड़। डोडा कोर्ट ने 23 पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सुनाया। SSP किश्तवाड़ ने तफसीलात बताई। और 2 महीने पहले हमने 36 से 13 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया था जो UAPA 4 स्पेशल डोडा में है वहाँ से। बाकी जो 23 लोग थे उनकी प्रोसीडिंग शुरू की थी तो इस सैटरडे को ये देखो हमने 23 के पाकिस्तान उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ये डिक्लेयर जो करवाई गई जैसे मंजूर इंकलाबी मंजूर अहमद गुलाम मोहम्मद नजीर शाही शबीर मोहम्मद आलमी अजीम शबीर गुलजार गुलाम असर मोहम्मद शफी अब्दुल करीम गुलाबू फारूक अहमद अली शाहनवाज नईम मोहम्मद शाहनवाज जावेद बशीर राजीवी सतरली इम्तियाज शबीर अहमद मोहम्मद रफी मुजफ्फर अहमद आज़ाद के लिए पाठक था। तो ये जो इंडिविजुअल की लिस्ट हम आपको पब्लिश कर रहे हैं हमारे पास प्रोसीडिंग्स लिए कोर्ट है गिवन 1 मंथ फाइन आप लोग कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे अदरवाइज फर्दर 83 की कार्रवाई में इनकी प्रॉब्लम है। ये जो 23 लोग हैं उनमें से 12 भी प्रॉब्लम है कोशिश की।
गुज़िश्ता शब पूरे मुल्क की तरह लाल चौक श्रीनगर में भी नए साल का जश्न मनाया गया। मुकामी लोगों ने सियाहों ने भरपूर शिरकत की। Thank you.